हेलो बच्चों, देखो बेटे, आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आपकी क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 19 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको जो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एक बिजनेस के अंदर यूजर्स होते हैं उनके बारे में बताया था, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका जो इनकम स्टेटमेंट होता है पहले वाला, ठीक है ना, उसमें जो हम अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट तो हमें बनाना सीख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखो, आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज, ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। जब भी आप फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज आपको मिलने वाली है वो कौन सी होती है, वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट शोज अस ग्रॉस प्रॉफिट एंड, या फिर यहां पे एंड ना लगा के हम और का यूज करेंगे, और ग्रॉस लॉस फॉर द ईयर, फॉर करंट ईयर। यह आपको जो शो करता है वो करंट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को शो करता है, ठीक है ना। इसमें हम जो क्रेडिट करते हैं वो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को करते हैं, और जो इसमें हम डेबिट करते हैं वो ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को करते हैं, जो आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें। इसका जो फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता है वो आप इस तरीके का बनाएंगे, चार कॉलम इसके अंदर आपको बनाने पड़ेंगे। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स आप डिटेल्स के यूज करते हैं, अमाउंट डेबिट पार्टिकुलर्स, अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटे, इसके अंदर आपको लिखना क्या होता है, सबसे पहले हम स्टॉक की बात करते हैं। आपका जो ईयर शुरू होगा वो शुरू होगा 1 अप्रैल को, सपोज 1 अप्रैल 20 में आपका ईयर शुरू होता है, और जो एंड होगा वो 31 मार्च 21 को होगा, ठीक है ना। ये बिगनिंग है, ये एंड है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो जो इस कंडीशन में, इस स्टेज पर आपके पास कुर्स बचा हुआ है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, ईयर के ओपन में उसे हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो ईयर के एंड में यहाँ पे आपके पास स्टॉक बचा हुआ है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंट के लिए आपको पता ही है जो डेबिट साइड होती है यहाँ पर आप 2 का यूज करते हैं, जो क्रेडिट साइड होती है वहाँ पर आप बाय का यूज करते हैं, इस तरीके से आपसे लिखेंगे। उसके बाद जो गुड्स आपने परचेज किया है वो आपका एक्सपेंस है, वो डेबिट में आएगा, उसे डायरेक्ट बाहर ना लिखें, हम अंदर लिखेंगे। और इसमें से जो इसकी रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न, उसे लेस कर जो अमाउंट आएगी उसे बाहर शो कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपका जो सेल्स होगी उसे हम अंदर लिखेंगे, और उसमें से आप रिटर्न लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, और जो अमाउंट आपकी बचेगी उसे आप बाहर शो कर देंगे। उसके बाद जितने आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे, जितने आपके एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस होंगे, ठीक है ना, जितने आपके एक्सपेंसेस इनवर्ड्स होंगे, ठीक है ना, जितने भी आपके जो है ना खरीदते टाइम के खर्चे होंगे, माल बनने तक के खर्चे होंगे, सब आपको लिखने हैं। जैसे कि आपका वेजेस हुआ, ठीक है ना, फैक्ट्री लाइट हुई, कैरिज हुई, ठीक है ना,
कैरी जी, वो सब आप इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे डेबिट साइड में। अब लास्ट में आपको करना क्या है, आप बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर आती है आपकी डेबिट साइड में, डेबिट साइड आपकी कम पड़ती है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं जीपी। और बाई चांस बैलेंसिंग फिगर आती है आपकी क्रेडिट में, तो उसे बोलते हैं आप बाय ग्रॉस लॉस, यानी कि जीएल। आई बात समझ बच्चे? देखो हम क्या करेंगे इसके लिए एक क्वेश्चन करके देखने की कोशिश करेंगे। देखो बेटे, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर, जिसमें आपको बताया हुआ है क्या है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये, वेजेस 5,000 रुपये, सेल्स इंक्लूसिव सेल्स टैक्स आपका 170 की है, रिटर्न आउटवर्ड जो परचेज रिटर्न है वो 8,000 रुपये की है, जो फ्रैट है वो 500 रुपये का है, आपको क्लियर आपको बताया हुआ है, और परचेजेस इतने की है, कैरिज इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स टैक्स पेड और ऑक्ट्रोई ड्यूटी भी आपको बताया हुआ है 2,500 रुपये की है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपने ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, ये इसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं ऐसे ही करूँगा, इसे हमने एग्जांपल नंबर 1 नाम दे दिया। देखो बेटे, सबसे पहले आपको देखना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है इधर आएगा, जिसकी वैल्यू थी 10,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड लाइन में है आपका परचेजेस। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रिटर्न हमारे पास दोनों हैं, तो परचेजेस को अमाउंट जो है हम अंदर ही लिखेंगे, वो है रुपीज 1,00,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट वेजेस, जो 5,000 रुपये की है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है जो 1,00,000 रुपये, 1,000 रुपये का है सॉरी, इनवर्ड्स 1,000 रुपये। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लिखा है कि सेल्स। देखो बेटे, यहाँ पर जो आपको सेल्स दी गई है उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है, यानी कि वो सेल्स टैक्स आपने पेड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स भी इसमें से लेस करेंगे। ठीक है ना, जिसकी कॉस्ट होगी आपकी 1,70,000। ठीक है ना, और रिटर्न भी आपको दी है, मैंने 2 लाइन इसके नीचे छोड़ दी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है रिटर्न इनवर्ड। सबसे पहले तो हमने माइनस कर दिया रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं, जिसे आपने 5,000 रुपये इसमें से लेस किया, यह आपका 165,000। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड आपको मिला है, रिटर्न आउटवर्ड हम बोलते हैं परचेज रिटर्न को, ये 8,000 रुपये लेस होने के बाद में ये बचा आपका 92,000। उसके बाद लिखा है सेल्स टैक्स पेड, उसे हम यहाँ से माइनस कर देंगे, सेल्स टैक्स पेड 2,500 रुपये का है, सॉरी मैंने नीचे लाइन में कर दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका बैलेंस, सॉरी सेल्स टैक्स पेड की अमाउंट मैंने गलत देख ली, ये 15,000 आपको दिया हुआ है, और 15,000 दिया हुआ है इसका मतलब आपका जो बैलेंस बचेगा 1,50,000 का बचेगा। ठीक है बेटे, उसी के साथ साथ आपको फ्रैट दिया हुआ है, जो आपका फैक्ट्री का खर्चा है 500 रुपीज़, और जो आपको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दी हुई है वो है आपकी 2,500। हम क्या करेंगे, इनका बैलेंसिंग करके देखेंगे। बैलेंसिंग के लिए अगर हम अभी, शायद मैंने क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक को आपने बाय साइड में लिखना है इसके, ये वो आपका 20,000। देखो बच्चों, जब इसका टोटल करते हैं तो इस साइड का टोटल आपका 1,70,000
थाउजेंड बैठेगा, 1,70,000 बैठेगा, और डेबिट साइड को कंप्लीट ऐड करके अगर इसमें से हम लेस करते हैं तो जो आपका जीपी निकलेगा वो निकलेगा आपका 59,000। आपका आंसर क्लियर है मेरे हिसाब से बेटे, तुम लोग इस अकाउंट को आराम से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो के बाद ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी आप स्कूल से कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।